Assalamualaikum dear students, I hope you are fine. Today is our fifth lecture of science carnival for 4th class. Students of 4th class, open your science book page number 127. Dear students, we are studying chapter number 12, force, work and energy. पिछली वीडियोस में हमने फोर्स और वर्क को देख लिया था कि फोर्स और वर्क क्या होता है. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स. एनर्जी क्या है और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी और स्ट्रेंथ टू डू वर्क. एनर्जी क्या है, अहलियत है, काबिलियत है और कुव्वत है टू डू वर्क, काम करने की. किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए जो कुव्वत हम लगाते हैं उसको एनर्जी बोलते हैं. वी गेट एनर्जी बाई ईटिंग हेल्दी फूड्स. हम मतवाजन खुराक खाने से एनर्जी हासिल करते हैं. एंड यूज़ द एनर्जी और इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज़. अपने रोज़मर्रा के काम को अंजाम देने के लिए इस एनर्जी को यूज़ करते हैं. एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स. एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद होती है. हम देखते हैं कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं. फर्स्ट वन इज़ सोलर एनर्जी. व्हाट इज़ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कौन सी होती है. सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सन. सूरज से जो हमें एनर्जी हासिल होती है, जो तवानाई हासिल होती है, उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं. इट इज़ द मोस्ट रेडली अवेलेबल एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. ये आसानी से दस्तयाब होती है और एनर्जी का सबसे अहम सोर्स है, ज़रिया है. सेकेंड वन इज़ जियोथर्मल एनर्जी. व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी इज़ द हीट एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, हरारत की एनर्जी होती है स्टोर्ड इनसाइड द अर्थ, जो कि ज़मीन के अंदर महफूज होती है. नेक्स्ट है विंड एनर्जी. विंड एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ मूविंग एयर. विंड एनर्जी जो है वो हवा के चलने की एनर्जी है. दिस एनर्जी इज़ रेडली अवेलेबल इन विंडी प्लेसेस. जो हवाई जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, वहाँ पे ये आसानी से दस्तयाब होती है. इस क्लीन साफ होती है एंड डज नॉट काज पोल्यूशन, और ये गंदगी का बायस नहीं बनती. सेकंड नेक्स्ट है हाइड्रो पावर. हाइड्रो पावर एनर्जी, जिसको हम वाटर एनर्जी भी बोलते हैं, पानी की एनर्जी, इज़ द एनर्जी प्रोड्यूस बाय मूविंग वाटर. ये वो एनर्जी है जो कि चलते या बहते पानी से पैदा होती है. नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स, जो कि एटम्स के टूटने से रिलीज होती है. नेक्स्ट है लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी क्या है, इज़ द विजिबल एनर्जी, देखने वाली एनर्जी है इन स्पेस, स्पेस में विजिबल एनर्जी मतलब जिसको हम देख सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका लेक्चर एंड होता है. इसमें हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स हमने देखी थी, डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं. उसमें हमने स्टडी किया है सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर और वाटर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको याद भी करना है, इसको राइट भी करना है अपने होमवर्क में, और इसको आपने सबमिट भी करवाना है. जिन स्टूडेंट्स ने काम अपना सबमिट नहीं करवाया, काइंडली वो भी इसको सबमिट करवाएं. और जैसे आप क्लास में काम करते हैं नीट से, अच्छे से, वैसे ही आप उसको काम करें, कंप्लीट करें, उसको अच्छे से बाइंड करके फिर आप उसको सबमिट करवाएं. अपना नेम, क्लास और सेक्शन ये लाजमी आप ऊपर राइट करें. डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. विश यू ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज़.